इस क्वेश्चन में हमको गिवन है A1, A2, A3, An आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और A1, A2 प्लस A2, A3 प्लस A3, A4 अप टू An माइनस 1 An इस K टाइम्स A1, An, तो K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो गिवन A1, A2, A3 अप टू An आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/An, दीज टर्म्स मस्ट बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो कॉमन डिफरेंस यदि डी मान लें, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी बी डी, तो 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू 1/A3 माइनस 1/A2, ये सब टर्म्स 1/An माइनस 1/An माइनस 1, ऑल दीज टर्म्स मस्ट बी इक्वल टू डी. ठीक है ना. अब हमको टर्म्स चाहिए A1 A2 प्लस A2 A3, तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं. 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू डी, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा A1 A2 ऊपर A1 माइनस A2 इक्वल टू डी. दैट मींस A1 A2 इज 1/D A1 माइनस A2. सिमिलरली 1/A3 माइनस 1/A2 दिस इज इक्वल टू डी, एलसीएम पे आ जाएगा A2 A3, एंड हेयर A2 माइनस A3 इक्वल टू डी. तो यहां से आ जाएगा A2 A3 इक्वल टू 1/D A2 माइनस A3. ठीक है ना. देन 1/A4 माइनस 1/A3 इक्वल टू डी, एलसीएम लेने पे A3 A4 ऊपर A3 माइनस A4 इक्वल टू डी. सो इट विल बिकम A3 A4 इक्वल टू 1/D A3 माइनस A4. तो सिमिलरली लास्ट में आ जाएगा 1/An माइनस 1/An माइनस 1 इक्वल टू डी. यहां से आ जाएगा An माइनस 1 माइनस An अपॉन दिस इज डी. तो An इंटू An माइनस 1 इट इज 1/D An माइनस 1 माइनस An. तो जब ऐड करेंगे तो टर्म्स जो हैं इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो यहां पे A1 और माइनस An ये टर्म बचेंगी. ठीक है ना. तो ऐड करने पर ठीक है ना, जो LHS है इट इज 1/D A1 माइनस An. अब K A1 An लिखा हुआ है तो इसको A1 An की टर्म्स में लाने के लिए ठीक है ना, ये सब AP में है तो जो लास्ट टर्म है 1/An इसको अपन 1/A1 प्लस N माइनस 1D लिख सकते हैं, है ना, AP के N टर्म के फॉर्मूले से. तो इसको लिख सकते हैं हम 1/An माइनस 1/A1 इक्वल टू एन माइनस 1D. ठीक है ना. तो अब इसमें अब एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा A1 An ऊपर आ जाएगा A1 माइनस An इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी. तो 1/D A1 माइनस An ये आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू A1 An. तो ये जो रिलेशन आया है इसको हम यहां पुट कर दें तो LHS विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू A1 इंटू An. ठीक है ना. दैट मीन्स अब कंपेयर करेंगे तो K की जो वैल्यू आई है ना,
एन माइनस वन, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन एन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ।